25 के बाद जब आप जब देखेंगे तो 26, 27, 28 ये जो 3 दिन हैं, तो इसमें जो बारिश की एक्टिविटी है वो और बढ़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो मैं कहूँगा कि ज़्यादातर जगहों में 26, 27, 28 को जो है हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन जहाँ तक भारी या बहुत भारी बारिश की बात है तो वो भी देखने को इस दौरान मिलेगी, जिसमें कि अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो उसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली ये डिस्ट्रिक्ट मुख्यतः रहेंगे। फिर जो हमारे प्लेन्स वाले या उनसे जो लगे हुए डिस्ट्रिक्ट है, खासकर देहरादून है, पौड़ी है, नैनीताल है या टिहरी, हरिद्वार, इनकी बात करें तो इनमें भी संभावना है कि हैवी रेन जो है इनमें भी या वेरी हैवी तक की भी जो है इक्का दुक्का जगहों में इन डिस्ट्रिक्ट्स में मिलने की संभावना है 26 से लेकर के 28 तारीख तक की जब बात करते हैं। तो 28 के बाद 2-3 दिन थोड़ी एक्टिविटी कम हो जाएगी फिर से जो है, और फिर आप देखेंगे कि एक दो जो अभी हालांकि थोड़ा दूर है लेकिन जो अभी प्रेडिक्शन दिख रहा है तो उसमें लग रहा है कि अगर उस तरह से सिस्टम आगे भी बना रहता है तो ये संभावना है कि 1-2-3 सितंबर में बहुत अच्छी बारिश फिर से मिल सकती है। तो यही मैं कहूँगा कि अभी जो अगले 5 दिन हैं तो इसमें 2 दिन तो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है आज और कल, लेकिन 26 से लेके 28 तक जो है जो एक्टिविटी वो प्रदेश में बढ़ेंगी और हैवी वेरी हैवी रेन्स भी कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। तो थोड़ा बहुत बिल्कुल सतर्क रहने की वो ज़रूरत रहेगी। तो यही अभी कहना चाहेंगे। नमस्कार।